हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्लीव्स डिज़ाइन जो मैं बनाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो स्लीव्स डिज़ाइन है मैं इसे डोरी की हेल्प से बनाऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन भी क्लिक कर लें जिससे मेरी हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैंने ये स्लीव्स कट करके रख रखी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जिस तरीके से ये कट होती है। तो इसकी जो लेंथ ली है मैंने वो 10.5 इंच के करीब ली है। तो जो है ये रेडी 10 इंच हो जाएगी। सबसे पहले मैं जिधर की साइड मेरा बन साइड है उधर की साइड से मैं 1-1 इंच का इस तरीके से मार्जिन लूँगी। तो मैं 1 इंच पे इस तरीके से मार्जिन लूँगी और उसके बाद कुछ इस तरीके से कर्वी शेप में इसे ले जाऊँगी। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ, और उसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये जो पार्ट है आपको जो कट करके रखा है इसे संभाल कर रखें आप, क्योंकि आप इसको बाद में मेजर भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये हमारा 2 पीस में हो जाएगा। ये देख सकते हैं 2 पार्ट हो चुके हैं हमारी स्लीव्स के। उसके बाद मैं इसमें ये पाइपिंग लगाऊंगी। तो पाइपिंग मैंने ये रेडीमेड ली है, आपको किसी भी लेस की शॉप से इजीली मिल जाएगी। तो मैं इसके ऊपर राइट साइड पे मैं इस तरीके से रखूंगी इसे अपनी पाइपिंग को, और इसके ऊपर इस तरीके से कुछ लगा दूँगी। राइट साइड पर ध्यान रखे रखना है और नोक की तरफ आपको कुछ इस तरीके से लगाना है। तो देख सकते हैं मैंने ये लगा दी है, और जब मैं इसे रॉन्ग साइड पर इस तरीके से टर्न करूँगी तो हमारी पाइपिंग अलग ही हमारी निकल जाएगी, ये देख सकते हैं आप। तो अब मैं इसे बिठाने के लिए अपनी पाइपिंग को जो ये अच्छे से बैठ जाए उसके ऊपर एक और स्टिच कर लूँगी, और बिल्कुल बारीक बारीक से स्टिच करूँगी बिल्कुल पाइपिंग के बिल्कुल बराबर बराबर में, ज़रा सा भी मार्जिन नहीं छोड़ूंगी मैं। तो ये मैंने इस तरीके से हम अपनी पाइपिंग को लगा दिया है, ये देख सकते हैं आप। अब दूसरा जो पार्ट है हमारा उसके ऊपर भी मैं इसी तरीके से पाइपिंग को अटैच कर लूँगी जिस तरीके से मैंने इसमें अटैच करी है। तो जो दूसरा पार्ट है ये, तो ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट पे इस तरीके से पाइपिंग को अटैच कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें लुप्पी लगाऊंगी। तो लुप्पी के लिए मैं 6 इंच पे इस पर लुप्पी लगाऊंगी। तो 1-1 इंच पे मैं दोनों तरफ मार्क कर लूँगी, दोनों पार्ट्स पर 1-1 इंच का गैप देना है आपको। उसके बाद मैं इसमें ये डोरी बना के रखी है मैंने इसमें, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही इजी तरीका है डोरी बनाने का। और 2-2 इंच का जो हमने डोरी को कट कर लेना है 2-2 इंच के करीब। उसके बाद मैं इसमें बना दूंगी इसी से लुपिए, तो इसमें मैं लुपी लगाऊंगी। तो जहां हमने निशान को लगाया है उसी के ऊपर आपको इस पर लुपी लगानी है। आप निशान पे इस तरीके से फोल्ड करके अपनी डोरी को रखते चले जाएं और इस पर स्टिच करते चले जाएं। तो इस तरीके से आपकी पूरी स्लीव्स में लुपी लग जाएगी। दूसरी तरफ जो नीचे की साइड है आपको इस तरीके से स्टिच करते चले जाना है। तो ये देख सकते हैं मैंने लुपी लगा दी है। सेम प्रोसेस से मैं दूसरे पे भी इसी तरीके से लुपी लगा दूंगी। तो ये देख सकते हैं दोनों पार्ट पर हमारी लुप्पी लग चुकी है। अब मैं इसमें डोरी डालूंगी। तो इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं डोरी किस तरह बननी है। और ये आप देख सकते हैं एक के बाद एक पे आपको इस तरीके से क्रॉस करते हुए लेके जानी है डोरी को। तो दूसरी को भी मैं इसी तरीके से क्रॉस करते हुए लेके जाऊंगी। आप चाहे तो आपका जो फैब्रिक बचा हुआ है जो कट किया था हमने बीच में से वो रख सकते हैं, उसी के ही अकॉर्डिंग आपको इसमें गैप देना है। तो ये देख सकते हैं मैंने अपनी डोरी को कंप्लीट कर लिया है, और नीचे की तरफ ये लटकन बना दी है फैब्रिक की। अब मैं आपको कुर्ती में स्लीव्स को अटैच करना बताऊंगी। तो कुर्ती के जो आर्म होल है, मोंढ़ा है जिसे कहते हैं, उस पर भी मैं पाइपिंग लगाऊंगी। तो 1/2 इंच का गैप देके आपको इस तरीके से इस पर पाइपिंग लगा देनी है। ये देख सकते हैं आप मैं 1/2 इंच का गैप देके इसमें लगा रही हूँ अपनी पाइपिंग। तो राइट साइड पर हमारी जो कमीज़ है वो रखी हुई है शर्ट, और उसके ऊपर ही मैं ये पाइपिंग लगा रही हूँ। उसके बाद हमें जब ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये पाइपिंग खुद पर खुद निकल ही आएगी। ये देख सकते हैं आप कितनी आसान तर्तीके से हमारी ये पाइपिंग लग चुकी है आर्म होल पर। इसके ऊपर भी आपको एक स्टिच कर देना है जिससे ये बैठ जाए हमारी पाइपिंग। अगर आपको इसका बैक नेक भी देखना है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप इससे मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं जो आप मैंने शर्ट में नेक बना रखा है। तो ये आप देख सकते हैं पाइपिंग हमारी लग चुकी है। अब मैं इसमें स्लीव्स अटैच करूँगी। तो स्लीव्स को आपको ईजिली ही क्या करना है,
पहले आप बीच में ना एक मार्किंग कर लें, 2.5 इंच पे जितना आपको छोड़ना है, तो बीच में आपको अपनी इंच टेप रखनी है और 5 इंच का पे इस तरीके से मार्किंग कर देना है, 2.5 इंच इधर और 2.5 इंच इधर, बैक पे 2.5 इंच और फ्रंट पे 2.5 इंच आपको मार्किंग कर लेनी है। और उसके बाद आपको अटैच करनी है अपनी स्लीव्स। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से, जहाँ पे मेरा मार्क आ रहा है वहीं पे मैं इसे एंड करूँगी अपनी स्लीव्स को, स्लीव्स के एक पार्ट को मैं एंड करूँगी जहाँ तक हमारा एक मार्किंग आ रही है। ये देख सकते हैं ये हमने अटैच कर लिया है। अब मैं दूसरे को भी इसी तरीके से मार्किंग के पे रखती जाऊँगी और अटैच कर दूंगी। बीच में जो हमारा गैप हुआ है वो 2.5 इंच का हुआ है, सॉरी 5 इंच का हुआ है, 2.5 इंच दोनों तरफ से हुआ है। तो हमारी जो स्लीव्स है वो बन के रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।